गुड फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3. वी हैव कवर्ड लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड फॉर द सेम आई विल गिव यू असाइनमेंट इन द क्लास ग्रुप. प्लीज डू दैट. आफ्टर दैट सेम आई विल गिव यू असाइनमेंट इन द क्लास ग्रुप. प्लीज डू दैट. आफ्टर दैट नाउ वी विल स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you understand by business environment? So students, let me clear that. First of all, business environment include two words: business and environment. Business means like sale and purchase of goods and services for the purpose of earning profit. And now environment means surrounding, all about us, like forces which are around us, like air, sunlight, noise, weather. This is environment. Now first let me clear that, what do you understand by business environment? There are so many factors which impact the business from the outside or inside also, and business from outside which are out of control, and which are inside may be controlled to some extent. And what are these factors? For example, अगर मैं external environment की बात करूँ जो businessman के control में नहीं है, वो क्या है? इसको आप बोलते हो macro environment, जिसमें आप government policies, political structure, constitutional law and technical changes, economical changes, ये सारे वो चेंजेस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं, मैन के कंट्रोल में नहीं होते. इसी तरह से इंटरनल भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, देर आर सम कस्टमर्स स्पेसिफिक जो उसी के ही हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी, कस्टमर, पब्लिक, वो उसके इंटरनल होते हैं, वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स अचानक से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें तो वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे. तो ऑल ओवर दिस मीन्स वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड किया जाता है, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं और जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट तो है, लेकिन बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. और ये जो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट में भी वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ, जैसे हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट में सनलाइट है, एयर है, तो ये चीजें कभी हमें खुशी भी देती हैं, कभी हमारे लिए स्ट्रेस भी बना देती हैं, और दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. सेम वे बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, दैट में भी वो कभी हमारे बिजनेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएं, और दैट में भी वो हमारे लिए कोई चैलेंज भी खड़े कर दें. तो इसलिए जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस के जो इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी किया जाए, हम इनको आइडेंटिफाई कर सके कि फ्यूचर में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कौन सी हमें थ्रेट्स यानी कि चैलेंजेस मिलने वाले हैं विच वी हैव टू फेस. सो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द बिजनेस एंड ऑन विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. इट हैज कंट्रोल. It has both threats and opportunities for the business, and so we have to study the business environment to help the managers identify these threats and opportunities. So this is the concept, what is business environment. After that, our next features of business environment. First of all, अगर मैं ये कहूँ कि हमने अभी पढ़ा है एक point कि थ्रेट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, वो क्या चीज है. थ्रेट्स वो चीजें हैं, वो नेगेटिव चेंजेस हैं जो हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. इसी तरह से जैसे हम ये कहें कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया और हमसे लो प्राइजेस पे प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे, तो वो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट है. इसी तरह से अपॉर्चुनिटी में तब कहूंगी जब हमारे लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आ जाए कि बिजनेस उससे ग्रोथ करने लग जाए, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए. तो अपॉर्चुनिटी दैट में भी हो सकता है कि कम जहां से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो हमें बहुत डिस्काउंट ऑफर कर दे, तो उस अपॉर्चुनिटी को लेना एक बिजनेस के लिए एडवांटेज फुल होगा. तो वो बिजनेस को अपॉर्चुनिटी लेना, उस सिचुएशन को लेना, वो हमारे लिए पॉजिटिव चेंज होगा.
तो दीज आर द थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज विच वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. नाउ कम टू द फ्यूचर. फर्स्ट, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल इंपैक्ट द बिजनेस एंड ऑन विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. सो इसका मतलब यह है कि बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स का ग्रुप है. एंड सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब ये जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक स्पेसिफिक है, एक जनरल है. स्पेसिफिक वो होगा जो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को सेपरेटली इम्पैक्ट कर रहा है. जैसे एक ही कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दें, या उसके सप्लायर्स उनको रॉ मटेरियल बंद कर दें, इस तरह से, तो वो उसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हुई. जनरल फैक्टर्स में वो आएगा जिसमें सभी फर्म्स इक्वली ही इम्पैक्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया रिगार्डिंग जीएसटी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे इतना जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगेगा, तो ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनीज या फर्म्स होंगी सभी को वो इक्वली इम्पैक्ट करेगा. एंड थर्ड वन इज इंटर रिलेटनेस. जितने भी फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हैं ये कोरिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. मैं कहूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, नई पॉलिसी बनाई, तो इस केस में अगर न्यू गवर्नमेंट आए उसकी वजह से कुछ पावर्स चेंजेस हो गई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, मान लो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से भी चेंज हो गई. कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो चीज़ों से इम्पैक्ट होती हैं. जैसे मैं ये कहूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी नई गवर्नमेंट आने की वजह से भी चेंज हो जाती है, या गवर्नमेंट तो वही है लेकिन वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है तब भी चेंज हो जाती है, यानी कि वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायनामिक नेचर. डायनामिक नेचर मीन्स एनवायरमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स का टोटल सम है और जो इसके चेंजेस हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि आज आपके चेंजेस हुए, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है. एनवायरमेंट इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन चेंज और वो हमें आइडेंटिफाई भी करना है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज अनसर्टेनिटी. फ्यूचर अनसर्टेन है, इन द सेम वे बिजनेस एनवायरमेंट भी अनसर्टेन है. फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निकल चेंज हुए, टेक्निकल चेंज लगातार हो रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा एक नया मोबाइल आता है, पहले वाला मोबाइल उसके कंपैरेटिवली आउटडेटेड हो जाता है, तो कोई भी पर्सन उस पुराने मोबाइल, चाहे वो कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है तो भी उसको नहीं लेते, क्योंकि हमें उससे बेटर वन चाहिए होता है, जो न्यू वन चाहिए होता है. तो यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, सभी का एस्टीमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इंडिविजुअल हर एक फैक्टर का इफेक्ट कितना होगा बिजनेस पे, ये फाइंड आउट करना, ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है. अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी किस चीज़ को कितना इम्पैक्ट करेगी तो वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है. रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ऑल ओवर डिपेंड करता है लोकल कंडीशंस पे, एंड दिस इज द रीजन एज टू वाई बिजनेस एनवायरनमेंट हैपन्स टू बी इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट, इवन इन द सेम कंट्री एंड द डिफरेंट प्लेसेस वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो लोग ऑल ओवर बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी जगह का कैसा है और किसी जगह का कैसे है. सेम ही कंट्री में अलग अलग जगह पे बिजनेस जो है अलग अलग तरीके से भी चलाना पड़ जाता है, क्योंकि वहां की लोकल सिचुएशंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर
चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों चाहिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। देर आर सो मैनी रीजंस जो आपको ये बताएंगे कि बिजनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों चाहिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। देर आर सो मैनी रीजंस जो आपको ये बताएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू टेक फर्स्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में अगर सबसे आगे रहना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज जितनी भी अवेलेबल हो आप चाहते हैं कि उसका सबसे पहले आपको पता चले ताकि उसका बेनिफिट आप ले पाएं, तो उस केस में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चलता है कि आपका कोई सप्लायर है वो आपको काफी अच्छी डिस्काउंट पे अभी बहुत सारा रॉ मटेरियल लोट्स में देने के लिए रेडी है, तो उस केस में अगर आप इस चीज की स्टडी करते हो और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले लेते हो तो वो आपके लिए लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। एंड सेकेंड इज वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल्स मीन्स अगर हम ये कहें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से, पता चलता है तो ये भी पता चलता है कि बिजनेस से कहाँ चैलेंज मिलने वाले हैं, कि प्रोडक्ट मार्केट में लाना तो नहीं वाला जिसकी वजह से हमारी जो एफर्ट्स हैं वो उसके सामने डाउन हो जाए और हमारा बिजनेस उससे पीछे रह जाए। तो ऐसी कोई स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ही है जो आपको बताएगी कि फ्यूचर में रेगुलर क्या चेंजेस आ रहे हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। यूजफुल रिसोर्सेस को टैप करना यानी कि अरेंज करना। ऑल ओवर एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं मैन मटेरियल, हम इसको बोलते हैं मैन मटेरियल मशीन एंड मनी। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। एक बिजनेस जो है जो रिसोर्सेज लेता है वो कहाँ से लेता है? एनवायरमेंट से। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो किसको प्रोवाइड करता है? एनवायरमेंट को। तो एक बिजनेस एक रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज कर सकते हैं और उसके लिए क्या हमें नीडफुल करने की जरूरत है और कहाँ पर उनको प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूसली जो है चेंजिंग एनवायरमेंट की सिचुएशन है। रोज नया कुछ ना लाइक प्रोडक्ट्स में नया कुछ आ जाता है, टेक्नोलॉजी की वजह से नया आ जाता है, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है। दीज आर नॉट इन ह्यूमन बींग हैंड्स। इट मीन्स दैट इफ स्पीड इज अ लिटल लेस देन इट कैन बी फेस्ड विद कंपेरिटिव, बट टू फेस रैपिडिटी ऑफ द चेंज इज ए डिफिकल्ट टास्क। अगर हम ये कहें कि कंटिन्यूसली जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लें, आसान बात नहीं है, क्योंकि वो चेंजेस को कंटिन्यूसली अपनी जो नजर है वो किस पे रखनी पड़ती है? एनवायरमेंट पे। उसको स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं अपने बिजनेस में भी चेंजेस करेंगे तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे। आफ्टर दैट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करने से हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, लाइक आगे क्या होने वाला है थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, उसके बेस पे हम प्लानिंग बना लेंगे या पॉलिसीज बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा हुआ जैसे ITC होटल्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत सारे होटल्स वो अब्रॉड में खोलेंगे एंड इन इंडिया में खोलेंगे एंड इन इंडिया ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब जहां पे भी वो होटल खोलेंगे चाहे वो अब्रॉड में खोले या इंडिया में खोले, पहले वो एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे। दे फेल्ट दैट टूरिज्म इंडस्ट्री वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इट्स फ्यूचर वाज पर्टिकुलरली ब्राइट इन इंडिया। तो वो ज्यादा कोशिश करेंगे कि इंडिया में इन्वेस्ट करें और उनका होटल्स की काउंटिंग अब्रॉड के कंपैरेटिव इंडिया में ज्यादा रहे, क्योंकि उनको लगा कि टूरिज्म जो है कंपैरेटिवली ज्यादा कहाँ है? इंडिया में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एनवायरमेंट को स्टडी किया, इसको कहाँ बनाना चाहिए जिससे हम फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं,
कि हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करे। आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ता है। जहां तक इसकी परफॉर्मेंस की बात है, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली अपनी नजर चेंजेस पे या एनवायरनमेंट पे नहीं रखती, वो लॉन्ग रन तक बिजनेस जो है मार्केट में टिका नहीं रह सकता, क्योंकि उसके प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएंगे, उसकी सर्विसेज आउटडेटेड हो जाएंगी, ऑन द अदर एंड और कंसर्न्स आ जाएंगी जो सर्विसेज आउटडेटेड हो जाएंगी, ऑन द अदर एंड और कंसर्न्स आ जाएंगी जो उससे बेटर सर्विसेज दे रही होंगी या बेटर प्रोडक्ट दे रही होंगी। तो उस केस में जरूरी है कि एनवायरमेंट के स्टडी करके चेंजेस करें, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ताकि हम मार्केट में टिके रहें और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते, बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर ला सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट्स विच रिवील्स दैट वाई वी शुड डू द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ वी विल डू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। दिस इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड दीज कॉम्पोनेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी अपियर इन द एग्जाम 101%। सो प्लीज डू दिस टॉपिक केयरफुली। सो कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट्स। कॉम्पोनेंट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट वो है जो हर एक बिजनेस का पर्सनली होगा, एंड एक्सटर्नल वो है जो आउटसाइड फैक्टर्स होंगे, जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। अब पहले बात करते हैं इंटरनल एनवायरमेंट की। इसमें वो सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इनसाइड इनसाइड द बिजनेस उसको एक्सप्लेन करती है। एंड दीज फैक्टर्स द इंटरनल फैक्टर्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड वो फैक्टर्स हैं क्या, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है वहां पे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कौन सा है, बिजनेस की कौन सा है, बिजनेस की पॉलिसीज क्या हैं, प्रोडक्शन का क्या मेथड है, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन कितना होता है, मैनेजेरियल एटीट्यूड कैसा है, एंड ह्यूमन रिसोर्सिस कैसे हैं वहां पर अवेलेबल। सो ऑल दीज फैक्टर्स डू इम्पैक्ट द बिजनेस, बट सिंस ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, दे कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरमेंट। इसलिए हम उसको एनवायरमेंट का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये बिजनेस के कंट्रोल में ही होते हैं। अब आफ्टर दैट हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट इंपैक्ट करते हैं और बिजनेस के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, और बिजनेस का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सम ऑफ दीज फैक्टर्स विद एनवायरमेंट, सम ऑफ दीज फैक्टर्स विद विच ए पर्टिकुलर कंपनी हैज वेरी क्लोज रिलेशनशिप, एंड हाउ आर देयर आर सम फैक्टर्स विच इंफ्लुएंस द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी। उसकी बेस पे हमने ऑल ओवर बिजनेस एनवायरमेंट जो कि एक्सटर्नल है टू पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरमेंट, इसको आप ऑपरेटिंग एनवायरमेंट भी बोलते हो। माइक्रो एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट है जिसमें आप इंक्लूड करोगे दोज फैक्टर्स विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स ऑफ ए कंपनी, हर एक कंपनी के कस्टमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें कुछ कस्टमर हाउस होल्ड होंगे, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई कमर्शियल एंटरप्राइज होगी। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर हाईली इन्फ्लुएंस द, एंड सेकेंड इज सप्लायर। जिस तरह से कस्टमर हैं, सप्लायर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर बिजनेस का एक ही सप्लायर है और वो अचानक से बिजनेस से नाराज हो जाए, सप्लाई देना बंद कर दे, तो उस केस में बिजनेस को चलाना एक चैलेंज बन जाएगा। उस केस में एनवायरमेंट को स्टडी कर चैलेंज बन जाएगा उस केस में
एनवायरमेंट को स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर वो राइवल्स हैं जो हमारी तरह सेम बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो हमारा प्रोडक्ट कॉपी करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं और हमसे सस्ता मार्केट में बेचते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेटर सेल कर पाए। एंड फोर्थ वन इज पब्लिक। पब्लिक में आप कह सकते हो लोकल पब्लिक, प्रेस, मीडिया, ये इंक्लूड होगा। और इन सब का बिहेवियर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, अगर लोकल पॉपुलेशन किसी एरिया की किसी कंपनी के फॉर्म के एस्टेब्लिश होने के अगेंस्ट है, क्योंकि उस फैक्ट्री की वजह से आसपास में एरिया में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसी इसी तरह से हो सकता है मीडिया जो है किसी के बारे में कोई फेवरेबल रिपोर्ट बना के उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे दे, तो पब्लिक में बना के उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे दे, तो पब्लिक में जो भी लोग हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों इम्पैक्ट कर सकते हैं बिजनेस को। एंड फिफ्थ वन इज मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज यानी कि मिडल मैन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस के लिए। और ये मिडल मैन कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, प्रोडक्शन जहां पर होती है फैक्ट्री में, हम प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं? रिटेल शॉप से। तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली रिटेल शॉप पे नहीं आता, पहले वो होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर फिर फर्दर रिटेलर पे जाता है, देन हमें मिलता। लाइक होलसेलर या रिटेलर ये कौन है? मिडल मैन है। तो कंपनी जो है एजेंट्स की भी हेल्प लेती है या मिडल मैन की हेल्प लेती है, ताकि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तो ये लोग भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है अपनी गुड्स सेल कर रही है विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, इफ बिकॉज ऑफ रही है विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑल एजेंट्स गेट्स अनॉयड, किसी भी रीजन से सारे एजेंट जो है नाराज हो जाते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट बेचना, तो उस केस में कंपनी क्राइसिस में आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पांच फैक्टर है हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट वो इंडिविजुअली करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, विच एक्सटर्नली इम्पैक्ट द बिजनेस, एंड ऑल ओवर इट हैव ए डिस्टेंस रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे। मान लो कोई ऐसा चेंज हुआ सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि ऑल ओवर जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी इक्वली इम्पैक्ट करेगा। तो वो हमारा कौन सा होगा? वो मैक्रो लेवल पे होगा। आपने माइक्रो का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। एंड मैक्रो का मतलब होता है ऑल ओवर। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, माइक्रो मतलब इंडिविजुअली एक एक सिंगल फॉर्म को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हमने फाइव किए हैं पहले, एंड मैक्रो और जनरल में आपके आएंगे वो फैक्टर्स जो ऑल ओवर सभी इंडस्ट्रीज को जनरल में आपके आएंगे वो फैक्टर्स जो ऑल ओवर सभी इंडस्ट्रीज को सभी फर्म्स को इक्वली इम्पैक्ट करेंगे। इसमें आपके जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करने वाले हैं, सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस किसी भी कंट्री में जो एग्जिस्ट करती हैं। ऑल दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट द बिजनेस एंड दे कैन क्रिएट इवन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर अचानक से किसी चीज के प्राइजेस चेंज हो जाते हैं बिजनेस को, अगर प्राइजेस अगर प्रोडक्ट के बढ़ गए तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मान लो प्राइजेस घट गए तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आप में मैंने बताया आपको इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, जनरल प्राइसेस लेवल क्या है, जनरल प्राइसेस लेवल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं सारे जो ऑल ओवर बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ये कहूँ गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो बिजनेसमैन के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है।
एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑन द बिजनेस. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ए डिक्रीज इन बैंक रेट नेचुरल है, इसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा. और इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ लोगों की इनकम बढ़ जाएंगी, अगर मैं ये कहूँ इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसकी वजह से ऑल ओवर बिजनेस को चलाने का खर्चा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे. सेकेंड एनवायरनमेंट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में आप सारी सोशल फोर्सेस लेंगे, जिसमें आप कह सकते हो ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेस, होप्स एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा. जो आप दीज सोशल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस आल्सो. बिजनेसमैन इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता ये सोच के कि ये सीधे सोसाइटी का पार्ट है. अब मैं इसमें एग्जाम्पल्स ले रही हूँ कि इसमें मेजर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से. पहला मेजर एलिमेंट है आपका इसमें ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस में आप क्या लेते हो इसमें? नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल प्रैक्टिस की. ट्रेडिशंस में आ सकते हैं, जैसे आप देखा होगा कि दिवाली पे हम क्या क्या चीजें करते हैं. ईद, क्रिसमस, गुरुपूर्व, सभी अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. सभी कल्चर्स हैं उनमें. इसी तरह से वैल्यूज. वैल्यूज आप ये कहेंगे कि हमारी मॉरल वैल्यूज कैसी हैं, लाइक फ्रीडम को हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सोशल जस्टिस कितना है, इक्वालिटी कितनी है. सोशल ट्रेंड्स यहाँ पर क्या आएंगे? वो जनरल चेंजेस या डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. जैसे यहाँ पर क्या आएंगे? वो जनरल चेंजेस या डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. जैसे मैं ये कहूँ लोगों का हेल्थ कैसा है, फिटनेस कैसी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. और सोशल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से बिजनेस में भी चेंज होता है. जैसे मैं ये फेस्टिवल्स आप देखते हो, चाहे हम मनाते हैं, तो उन फेस्टिवल्स में एक पर्टिकुलर कुछ चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. जैसे दिवाली, गुरुपूर्व या आसपास ही आते हैं, इन फेस्टिवल्स के आने से पहले ही बहुत ज्यादा स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है. तो यानी कि वो बिजनेस ज्यादा इम्पेक्ट हो तो यानी कि वो बिजनेस ज्यादा इम्पेक्ट होते हैं उस टाइम. इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ सोशल फैक्टर्स में इक्वालिटी. इक्वालिटी भी एक ऐसी वैल्यू है जो जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए. किसी भी बिजनेस में मान लो इक्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता. सैलरी देते टाइम, मेल देते टाइम मेल और फीमेल में डिफरेंस किया जाए तो वो भी बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. इसी तरह से किसी भी एरिया में हेल्थ और फिटनेस का क्या ट्रेंड है, लोग कितना जिम जाते हैं, कितना मिनरल वाटर पीते हैं, उन चीजों से भी कितना फिटनेस पे इफेक्ट होते हैं. मान लो लोग हेल्थ और फिटनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो जिम्स की डिमांड बढ़ेगी, मिनरल वाटर्स की डिमांड बढ़ेगी, हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी जो फिटनेस के लिए ज्यादा अच्छे हैं. इसी तरह से हमारा थर्ड एनवायरमेंट है, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इसका मतलब क्या है कि जो टुडे वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं. इसमें आप इनोवेशन में आप ये कह सकते हो कि नए चीजें जो भी प्रोडक्ट आते हैं पहले वाले प्रोडक्ट से अगर वो बेटर है तो कस्टमर नेचुरल है उसी तरफ ही टर्न हो जाते हैं. तो ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि हम उसको फेस कैसे करें, या फिर आपको चैलेंज हो जाता है कि हम उसको फेस कैसे करें, या फिर आपको लगता है कि किसी भी मार्केट में इस टाइम पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर्स की इस नीड को पूरा कर सकती है अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें, तो उस अपॉर्चुनिटी का वो एडवांटेज भी ले सकते हैं. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है और चैलेंज भी दे सकता है. और इसमें मेजर एलिमेंट्स आएंगे क्या? अगर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के नए मेथड्स ढूंढ लो, या फिर आप ये कह लो न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ढूंढ लो, या बिजनेस को चलाने के नए तरीके ढूंढ लो, बेटर परफॉर्म कर पाए. तो ऑल ओवर बिजनेस को इम्पैक्ट कैसे करेगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि विद द कमिंग ऑफ टेलीविजन इन द मार्केट, सिनेमा एंड रेडियो इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट क्लोज्ड. उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था.
एंड विद द अराइवल ऑफ फोटोस्टेट मशीन्स इन द मार्केट, कार्बन पेपर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बैक बंद हो गई. एंड विद द एंट्री ऑफ आप ये कह सकते हो डिजिटल वॉचेस, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो जो एनालॉग वॉचेस हैं उसकी डिमांड कम हो गई है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है और उसके कस्टमर्स जो हैं उसको खरीदना बंद कर देते हैं. एंड फोर्थ, एनवायरमेंट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री. जनरली हम ये कहते हैं कि किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है. अगर मैं ये कहूँ किसी कंट्री में गवर्नमेंट बनाई गई और वहाँ पे सारा काम शांति से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक, तो वो बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है. लेकिन कई बार गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेसमैन के लिए नेगेटिव भी हो सकता है. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा उस पर टैक्सेस लगा दे, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज बढ़ा दे, तो वो एक बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. तो इसलिए बिजनेसमैन को केयरफुली वॉच करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसलिए बिजनेसमैन को केयरफुली वॉच करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेजर एलिमेंट्स क्या होंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पेस ऑफ कंट्री, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, या आप ये कह सकते हैं मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है. तो इस तरह से ये इसके मेजर एलिमेंट है. तो ऑल ओवर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो 77 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो उसने एक एटीट्यूड जो कि आप ये कह सकते हो लाइक IBM एंड कोका कोला, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था. उनके प्रोडक्ट इस वजह से मार्केट में आने बंद हो गए थे यहाँ पर. इसी तरह से न्यू गवर्नमेंट आई, उसने फिर MNC को एनकरेज किया और वो फिर इंडिया में आने लग गए उनके प्रोडक्ट कोका कोला के और वो फिर इंडिया में आने लग गए उनके प्रोडक्ट कोका कोला के अब भी आ रहे हैं मार्केट में. तो इस तरह से गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट का अपना एटीट्यूड है जो उस बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. एंड फिफ्थ, गवर्नमेंट्स इंक्लूड ऑल द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज अपॉइंटेड एट द सेंटर, चाहे वो लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है या सेंटर लेवल पे है. ये ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जजमेंट कितने भी उन्होंने कोर्ट में डिसीजंस लिए, उनको भी ऑल ओवर हम ये कहेंगे कि बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है. अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इसलिए आप ये कह सकते हो लीगल एनवायरमेंट में उन है जो कि गवर्नमेंट के पास किए हुए एक्ट्स हैं, जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की या डिसीजंस हैं जो वेरियस कमीशंस ने लिए हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज ने लिए हैं, और वो भी बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों इम्पैक्ट कर सकते हैं. इसके जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? एक्ट्स एंड मेजर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? एक्ट्स एंड डिसीजन टेकन बाय कमीशन एंड एजेंसीज एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट्स. ऑल ओवर इम्पैक्ट कैसे करते हैं ये? अगर मैं ये कहूं कि ऑल ओवर कैपिटल मार्केट पे जो कंट्रोल है वो पहले से क्या हो गया, अकाउंट कैपिटल का मार्केट में न्यू इश्यू से प्राइमरी मार्केट से लिया गया. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर किसी कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू किए होते हैं, इसको फर्स्ट इशू भी बोलते हैं. अगर मार्केट पे इस चीज का कंट्रोल हटा दिया गया है कि कैपिटल मार्केट में हम कभी भी न्यू इशू शेयर कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट का एक चेंज है जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया. इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने FDI पे भी बहुत सारा रिलैक्सेशन दे दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी, जिसकी वजह से बहुत सी MNC कंपनी इंडियन मार्केट में ज्वाइन कर लिया, तो ऑल ओवर ज्वाइन कर लिया, तो ऑल ओवर यानी कि ये चीजें भी बिजनेस को क्या करती है? इम्पैक्ट करती हैं. अकॉर्डिंगली ही बिजनेसमैन को बिहेव करना पड़ता है. ये स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, विच वी हैव डिस्कस्ड द 5 पॉइंट्स: इकोनॉमिक, सोशल,
टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसको हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिजनेस को एक्सटर्नली इंपैक्ट कर रहे हैं और जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। बिजनेस खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन बिजनेस को ये इंपैक्ट करते हैं, दैट मे बी वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आफ्टर दैट हम एक कर रहे हैं कंसेप्ट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है? आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, नाइट में किया था, कि 500 रुपए के और 1,000 रुपए के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, वो बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें टाइम भी दिया कि विद इन टाइम पीरियड आप जितने भी लोगों के पास ये 500 या 1,000 के नोट है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिए जाए। और इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? डीमोनेटाइजेशन। जब भी सर्कुलेशन से कोई मनी को हटा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको आप ये कह सकते हो कि एज ए लीगल टेंडर अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मार्केट में नहीं चलाया जाएगा उसको एज ए करेंसी, उस सिचुएशन को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। और लीगल टेंडर का मतलब क्या है? लीगल टेंडर का मतलब है कि किसी एक करेंसी नोट को आपने, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, डिक्लेयर किया है कि वो एज ए करेंसी यूज हो सकता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ गवर्नमेंट ने एक नोट इशू किया है 2000 का, वो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर होगा जब तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया कि वो एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब यही है कि वो एज ए गवर्नमेंट की परमिशन से एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमनली एक्सेप्टेड होगा। तो डीमोनेटाइजेशन वो सिचुएशन थी जब क्या हुआ था, एक विड्रॉल का स्टेटस आया था कि करेंसी को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था, वो उसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल आप वो ले सकते हो कि आप नवंबर 8, 2016 को 500 और 1,000 के जो नोट्स थे वो सर्कुलेशन से हटा दिए गए थे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आफ्टर दैट वी विल डू दिस टॉपिक कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड स्टूडेंट्स प्लीज डू दीज टॉपिक्स वेरी केयरफुली बिकॉज देर आर चांसेस टू कम क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन द एग्जाम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।